तो दोस्तों भारत की पहली बुलेट ट्रेन यानी मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में बनने वाली 508 किलोमीटर हाई स्पीड रेल परियोजना के काम ने अब काफ़ी ज़्यादा तेजी पकड़ ली है। वहीं दूसरी ओर देखा गया है कि इसमें कई भारतीय कंपनियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, जैसे कि L&T और टाटा, जहाँ पर पूरा फोकस बनाया गया है कि इसके काम को पूर्ण स्वदेशीकरण तरीके से भारत में किया जाए। वहीं परियोजना के काम को अब कई गुना ज़्यादा तेजी से करने के लिए इसमें कई इंडियन स्टार्टअप्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहाँ पर कल की आई रिपोर्ट के मुताबिक एक इंडियन स्टार्टअप जिनका नाम है Z-Work मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, इस इंडियन स्टार्टअप को L&T की तरफ से लगभग 10,000 मेट्रिक टन वाले गार्डर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहां पर इस परियोजना के लिए L&T की तरफ से इस इंडियन स्टार्टअप को लगभग 1.26 बिलियन INR यानी लगभग 16.6 मिलियन US डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। जहां पर देखा जाए तो L&T बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए इस्पात पुलों के निर्माण की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले चुकी है, और इसी काम को और ज्यादा तेजी से करने के लिए Z-Work मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को L&T की तरफ से लगभग 126 करोड़ रुपए का एक LOI यानी लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया गया है। वहीं इससे पहले L&T ने लगभग 28 स्टील ब्रिजेस के निर्माण के लिए IHI इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम यानी लगभग 13.1 बिलियन US डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है, जिसकी मदद से 508 किलोमीटर बनने वाली इस परियोजना में लगभग 12 स्टेशन्स को शामिल किया जाएगा और बुलेट ट्रेन की जो अधिकतम स्पीड है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रखी जाएगी। वहीं हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि बुलेट ट्रेन का जो काम है वो काफी तेजी से किया जा रहा है, साथ ही साथ भारत के अंदर जो पहले फेज में बुलेट ट्रेन चलाई जाएंगी वो जापान से भारत में इंपोर्ट होंगी, जिनके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग का काम है वो जापान में स्टार्ट किया जा चुका है। वहीं भारत के अंदर जो पहले फेज की बुलेट ट्रेन है वो लगभग 2026 में ऑपरेशनल होगी। वहीं जब इस परियोजना का फाउंडेशन किया गया था तब बताया गया था कि 2023 तक बुलेट ट्रेन को ऑपरेशनल फॉर्म में ला दिया जाएगा, लेकिन भूमि अधिग्रहण और कोविड के चलते इस काम में काफी ज्यादा लेट हुआ और जिसके बाद अब ये परियोजना 2026 में ही ऑपरेशनल फॉर्म में आएगी। वहीं L&T का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय कंपनियों को इन्वॉल्व किया जाए, और उससे पहले L&T को UPMRCL यानी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के लिए भी कई कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। दोस्तों भारतीय कंपनी L&T के द्वारा भारत की बड़ी बड़ी परियोजनाओं में इन्वॉल्व किए जा रहे हैं इन इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है, जहां पर नए स्टार्टअप्स को भी उभरने का मौका मिलेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।